नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत रिकार्डो ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निरपेक्ष लाभ सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने बताया था कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब होता है जब एक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन निरपेक्ष रूप से कम लागत पर तथा दूसरा देश किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन निरपेक्ष रूप से कम लागत पर कर सकता है। तो ये इन दोनों देशों के लिए अच्छा होता है कि जिस वस्तु का उत्पादन वो निरपेक्ष रूप से कम लागत पर करते हैं, उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करें एवं उसका निर्यात करें, जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। परंतु एडम स्मिथ ये नहीं बता पाए थे कि अगर कोई एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर करता है और कोई दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक लागत पर करता है, तो क्या इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा? इसका जवाब एडम स्मिथ नहीं दे पाए थे। इसका जवाब लेके रिकार्डो आते हैं और अपना ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई एक देश दो वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर करता है और कोई दूसरा देश दो वस्तुओं का उत्पादन अधिक लागत पर करता है, तो भी इन दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। जो देश दो वस्तुओं का उत्पादन निरपेक्ष रूप से कम लागत पर करता है, तो वो देखेगा कि उसमें से किस वस्तु का उत्पादन वो सबसे कम लागत पर कर सकता है। जिस वस्तु का उत्पादन वो सबसे कम लागत पर कर सकता है, उसमें उसको लाभ होगा। तो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे लाभ हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ होगा, तो वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा, उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके उस वस्तु का निर्यात करेगा। और कोई दूसरा देश अगर दो वस्तु का उत्पादन अधिक लागत पर करता है, दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे हानि पहुंचती है, तो वो देखेगा कि किस वस्तु के उत्पादन में उसे कम हानि होती है। जिस वस्तु के उत्पादन में उसे कम हानि होती है, वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगा और उसी वस्तु का वो निर्यात करेगा। इस प्रकार दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लागत में अंतर अलग अलग देशों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु में परिवर्तन, उनके श्रमिकों की कुशलता में अंतर, प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता में अंतर, इन कारणों से कोई एक देश दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम लागत पर कर सकता है। तो ये उस देश के लिए अच्छा होता है कि जिस वस्तु का उत्पादन वो कम लागत पर कर सकता है, उसी वस्तु का उत्पादन करे और उसी वस्तु के उत्पादन करके उसके निर्यात में वो आगे आए और उस वस्तु के उत्पादन में वो विशिष्टीकरण करे। रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत कुछ मान्यताओं के आधार पर आधारित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में किन मान्यताओं को दिया है। रिकार्डो का पहला मान्यता है कि उनका सिद्धांत दो देश और दो वस्तुओं के मॉडल पर है। उन्होंने उदाहरण में इंग्लैंड और पुर्तगाल को लिया है। दोनों देश दो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कपड़ा और शराब का उत्पादन करते हैं। दोनों देशों की रुचियां समान हैं। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। उन्होंने श्रम की सभी इकाइयों को समरूप मान लिया है। प्रत्येक देश में श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित है। दोनों ही देश में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण श्रम लागत के आधार पर होता है, अर्थात उनके
उत्पादन में कितने श्रम घंटे लगते हैं उसी आधार पर उसकी लागत तय होती है। दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली है। तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित रहता है। उत्पादन के जो भी साधन हैं, वे अपने देश के अंदर पूर्ण रूप से गतिशील हैं, परंतु दो देशों के बीच साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। दोनों ही देशों में स्वतंत्र व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में व्यापार करने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई परिवहन लागतें नहीं लगती है। दोनों देशों में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूर्ण बाजार है, जिसमें दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात समान है। तो रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। आगे हम लोग इस सिद्धांत की व्याख्या तालिका एवं रेखाचित्र के माध्यम से करते हैं। रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या हम लोग इस तालिका के आधार पर कर सकते हैं। इस तालिका में हम लोग देखते हैं कि दो देश इंग्लैंड और पुर्तगाल है। दोनों देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, शराब और कपड़ा। इस तालिका में जो नंबर दर्शाए गए हैं, वे एक इकाई उत्पादित करने के लिए श्रम के अपेक्षित श्रम घंटों को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड एक इकाई शराब का उत्पादन करने के लिए उसे 120 श्रम घंटे चाहिए। इसी प्रकार इंग्लैंड को कपड़ा का उत्पादन करने के लिए 100 श्रम घंटे चाहिए। कोई श्रमिक 100 घंटा श्रम करेगा तब जाके कपड़ा का एक इकाई का उत्पादन इंग्लैंड कर पाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल को शराब की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 80 श्रम घंटे चाहिए और पुर्तगाल को कपड़ा का एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 90 श्रम घंटे चाहिए। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि है। शराब के उत्पादन के लिए भी 120 घंटे का श्रम चाहिए और कपड़ा के उत्पादन के लिए भी 100 घंटे का श्रम चाहिए। तो इसे दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि हो रही है, अधिक घंटे श्रम का लग रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन लागत इंग्लैंड के लिए अधिक आ रही है। पुर्तगाल शराब और कपड़ा दोनों का उत्पादन कम श्रम घंटों में कर पा रहा है, क्योंकि शराब वो 80 श्रम घंटे में बना ले रहा है और कपड़ा 90 श्रम घंटे में। तो पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे लाभ हो रहा है, क्योंकि कम श्रम घंटों में वो दोनों ही वस्तुओं को बना ले रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल को अधिक लाभ किससे हो रहा है? शराब से, क्योंकि शराब का एक इकाई को वो 80 श्रम घंटा में बना ले रहा है और कपड़ा का एक इकाई का उत्पादन करने के लिए उसे 90 श्रम घंटे चाहिए। तो पुर्तगाल को दोनों के ही उत्पादन में लाभ है, लेकिन शराब के उत्पादन में उसे अधिक लाभ हो रहा है। उसी प्रकार इंग्लैंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि उसे पुर्तगाल की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि हो रही है, लेकिन उसे शराब के उत्पादन में अधिक हानि हो रही है क्योंकि 120 घंटे का श्रम लग रहा है, और कपड़ा के उत्पादन में उसे कम हानि हो रही है क्योंकि 100 घंटा का उसे श्रम लग रहा है। तो इंग्लैंड के लिए यह अच्छा होगा कि वो शराब का उत्पादन न करके कपड़ा का ही उत्पादन करे, क्योंकि उसे दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि हो रही है लेकिन कपड़ा के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम हो रही है। इसी प्रकार पुर्तगाल को शराब का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि उसे दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो रहा है लेकिन शराब के उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक हो रहा है। तो पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और इसका निर्यात इंग्लैंड को करना चाहिए और बदले में इंग्लैंड से कपड़े का आयात करना चाहिए। और इंग्लैंड के लिए अच्छा होगा कि वो कपड़ा के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और कपड़ा का ही निर्यात पुर्तगाल को करे और बदले में वो शराब पुर्तगाल से आयात कर ले। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अपने अपने देश के संदर्भ में उनके दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत का अनुपात कितना है। पुर्तगाल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि शराब की उत्पादन लागत जो है
वो 80 बटा 120, देखिए 80 बटा 120 श्रम घंटे, और कपड़े की उत्पादन लागत 90 बटा 100 श्रम घंटे। तो यहाँ शराब की उत्पादन लागत कम है, और कपड़े की उत्पादन लागत 90 बटा 100 अधिक है। तो जिस चीज की लागत कम है तो उसी के उत्पादन में उसे लाभ प्राप्त होगा। तो पुर्तगाल के लिए कपड़े की तुलना में शराब का उत्पादन लागत कम है, तो पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में लाभ होगा और उसे शराब का ही उत्पादन करना चाहिए। इसी प्रकार इंग्लैंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कपड़े की उत्पादन लागत 100 बटा 90 श्रम घंटे है, और शराब की उत्पादन लागत 120 बटा 80 श्रम घंटे है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 100 बटे 90 वो कम है 120 बटा 80 से, अर्थात इंग्लैंड के लिए कपड़े की उत्पादन लागत कम है शराब की उत्पादन लागत से। तो इंग्लैंड को कपड़े का ही उत्पादन करना चाहिए, उसी में विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसी का निर्यात करना चाहिए, और बदले में पुर्तगाल से शराब का आयात कर लेना चाहिए। अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से दोनों देशों की तुलनात्मक लाभ की स्थिति को उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से देखते हैं। इस रेखा चित्र में हम लोग देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर शराब को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर कपड़ा को दर्शाया गया है। ये पी एल रेखा जो है, ये पी एल रेखा पुर्तगाल की उत्पादन संभावना वक्र है, और ये जो ई जी रेखा है ये इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि ये जो डॉट डॉट पोर्शन में जो यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींचे हैं, ये रेखा PL के समानांतर खींची गई है। ER रेखा जो है वो समानांतर है PL रेखा के, और ये रेखा, ये ER रेखा बताती है कि पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पुर्तगाल को कपड़ा के उत्पादन में भी लाभ है, वो ज्यादा उत्पादन कर पा रहा है, और शराब के उत्पादन में भी लाभ है, वो ज्यादा उत्पादन कर पा रहा है। इंग्लैंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि वो कपड़ा का उत्पादन कम कर पा रहा है और शराब का उत्पादन भी कम कर पा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है, अब पुर्तगाल जो है वो ओई मात्रा में जितने साधन को कपड़े के उत्पादन में वो लगा रहा था, अगर उन साधनों को वो कपड़े के उत्पादन में नहीं लगा के शराब के उत्पादन में वो लगा देता है, तो वो शराब की ओ आर मात्रा का उत्पादन कर सकता है। पुर्तगाल जो शराब की ओ आर मात्रा का उत्पादन कर रहा है और इंग्लैंड शराब की ओ जी मात्रा का उत्पादन कर रहा है, तो पुर्तगाल जो है वो शराब की ओ आर मात्रा का उत्पादन अधिक कर रहा है इंग्लैंड की तुलना में। तो पुर्तगाल के लिए अच्छा होगा कि पुर्तगाल जो है वो कपड़े के उत्पादन में जितने भी श्रम घंटे लग रहे हैं उन्हें निकाल के वो शराब के उत्पादन में लगाए, और इंग्लैंड के तुलना में वो ज्यादा शराब का उत्पादन करे। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो जीआर मात्रा में ज्यादा शराब का उत्पादन कर रहा है। तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा कि इंग्लैंड जो है वो कपड़े का उत्पादन करे और पुर्तगाल जो है वो शराब का उत्पादन करे। पुर्तगाल शराब का उत्पादन करके उसका निर्यात करेगा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड कपड़ा का उत्पादन में विशिष्टीकरण करके उसका निर्यात करेगा पुर्तगाल को। तो इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में हानि है तो कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से कम हानि है, तो वो कपड़ा का ही उत्पादन करे, उसी में ही विशिष्टीकरण करे और उसी का निर्यात करे। और पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं के संबंध में लाभ हो रहा है क्योंकि दोनों ही वस्तुओं को कम लागत पर बना पा रहा है, कम श्रम घंटे में बना पा रहा है, लेकिन शराब को वो अपेक्षित रूप से ज्यादा कम घंटे में बना पा रहा है। इसीलिए पुर्तगाल के लिए ये अच्छा होगा कि वो शराब का ही उत्पादन करे, उसी के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और उसका निर्यात वो इंग्लैंड को करे, और बदले में इंग्लैंड से कपड़े का आयात करे। तो इस प्रकार इन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो दोनों देशों को ही लाभ प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है, इसकी भी आलोचनाएं की गई है। इनके आलोचकों में प्रमुख रूप से बर्टिल, ओहलीन,
डी ग्राहम अर्थशास्त्री हैं। रिकार्डो के इन तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, इसके विरुद्ध निम्न आलोचनाएं प्रस्तुत की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि इस सिद्धांत में रिकार्डो ने श्रम लागत की जो मान्यता है उसको लिया है, वो अवास्तविक है। उन्होंने प्रत्येक वस्तु की कीमत उसमें लगे हुए श्रम के मूल्य द्वारा आंका है। उनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम लागत के आधार पर ही होता है, परंतु प्रत्येक वस्तु का उत्पादन केवल श्रम के द्वारा संभव नहीं है। श्रम के अतिरिक्त अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु रिकार्डो ने उन दूसरे साधनों की लागत को इसमें शामिल नहीं किया है। इस सिद्धांत की दूसरी प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने श्रम को समरूप मान लिया है। जैसा हम सब जानते हैं कि सभी श्रमिकों की कार्य क्षमता, उनके गुण, उनके कार्य करने के तरीके समान नहीं होते हैं, इसीलिए सभी श्रमिकों को समरूप कहना संभव नहीं है। कुछ देश के श्रमिक अधिक दक्ष हो सकते हैं तो उसी देश के अन्य श्रमिक उतने दक्ष नहीं हो सकते हैं। इसकी अगली आलोचना है कि यह स्थिर अनुपातों की स्थैतिक मान्यता पर आधारित है। स्थिर अनुपातों का अर्थ है कि रिकार्डो यह मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में श्रम की एक स्थिर मात्रा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्थिर लागतों के आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि रिकार्डो का यह सिद्धांत स्थिर लागतों की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। उन्होंने लागत को स्थिर मान लिया है, लेकिन हमेशा उत्पादन स्थिर लागतों के अंतर्गत नहीं होता है। अगर उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तब लागतें घटने लगती है, इसीलिए ये भी उसकी एक आलोचना है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ये मान लिया है कि कोई परिवहन लागतें नहीं लगती हैं, लेकिन व्यापार चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, परिवहन लागत लगता ही है, कहीं अधिक तो कहीं कम। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह भी माना है कि देश के अंदर साधन पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, लेकिन देश के बाहर उनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। परंतु ओहलिन का कहना है कि साधनों की गतिशीलता का अभाव देश के अंदर भी पाया जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर भी अलग अलग व्यापार में, अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरी दर में भिन्नता होती है। यहाँ तक कि एक ही व्यापार में अलग अलग क्षेत्रों में भी मजदूरी दर में भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि देश के अंदर भी साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। रिकार्डो का यह मॉडल दो देश और दो वस्तुओं के संदर्भ में ही लागू होता है। दो या दो से अधिक वस्तु और दो या दो से अधिक देशों के बीच में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसकी अगली आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जैसा हम सब जानते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी नहीं पाई जाती है। केन्स का भी कहना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा अपूर्ण रोजगार की ही स्थिति पाई जाती है, या पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति पाई जाती है। इस सिद्धांत में तकनीकी परिवर्तन की भी उपेक्षा की गई है, लेकिन अगर किसी देश में तकनीकी परिवर्तन होता है तो वह देश कम लागत पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, तो इस प्रकार से उसके तुलनात्मक लागत में अंतर उपस्थित हो जाएगा। इसकी अगली आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह एक पक्षीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत केवल पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें मांग पक्ष की अवहेलना की गई है। ये एक अपूर्ण सिद्धांत भी कहकर इसकी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत ये तो बताता है कि तुलनात्मक लागत अंतर में होने के कारण दो अलग अलग देशों को लाभ प्राप्त होगा,
लेकिन ये नहीं बता पाता है कि उन लाभों का वितरण किस प्रकार होगा और किस देश को कितना लाभ प्राप्त होगा। यह सिद्धांत पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता पर आधारित है, लेकिन किसी भी देश के लिए पूर्ण विशिष्टीकरण संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो देश दोनों ही महंगे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कोई एक देश दोनों ही सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो इस स्थिति में वहां पूर्ण विशिष्टीकरण संभव ही नहीं है। इस प्रकार प्रोफेसर ओहलीन ने इस सिद्धांत को भद्दा एवं खतरनाक औजार भी कहा है। तो हम देखते हैं कि कई अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना की है, परंतु निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह सिद्धांत समय के दौरान खरा भी उतरा है और इसकी आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत ज्यों के त्यों रूप से बना हुआ है। अगर इस सिद्धांत को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, जैसा कि सैमुएलसन ने कहा था कि अगर हम लोग सौंदर्य प्रतियोगिता में सिद्धांतों को उपस्थित करें, तो निश्चित रूप से रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत उनमें से श्रेष्ठ कहलाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं जल्द आप लोगों के साथ सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।